नमस्कार, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नापाक पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से अमन की बात कर रहा है। क्या पाकिस्तान के इस चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है? वो पाकिस्तान जो दुश्मनों को पालता है, जो आतंकवादियों को पालता है, क्या उस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है जो बार बार अमन की बात करता है, लेकिन वही पाकिस्तान इस अपनी बात पर एक तरह से कायम नहीं रहता है? तो क्या इस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? आपको बता दें कि अरनिया में पाक रेंजर्स ने जो नापाक हरकत की थी, इस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, जिस पर पाकिस्तान अब अमन की बात कर रहा है, लेकिन इस नापाक पाकिस्तान पर क्या भरोसा किया जा सकता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। जी हां, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मंगलवार को पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें दो बीएसएफ जवान घायल हो गए थे। और इसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई, इस फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने अमन की बात की है और पाकिस्तान ने कहा है कि दोबारा से इस तरह की गलती नहीं हो पाएगी। लेकिन वो पाकिस्तान जो बार बार गलतियां करता है, जो जिसकी भारत पे ही और खासतौर से जम्मू कश्मीर पर नापाक नजरें रहती हैं, क्या उस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? वो पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है जो दहशत गर्दों को पैदा करता है, दहशतगर्दी जिसकी जड़ में एक तरह से पेवस्त है, क्या उस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरनिया सेक्टर में जो गलती पाकिस्तान रेंजर्स ने की थी, उस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। फ्लैग मीटिंग में भी पाकिस्तान को एक तरह से भारत ने आड़े हाथों लिया है और अब इसके बाद पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। लेकिन हर बार पाकिस्तान गलती करता है और अमन की बात करता है, क्या इस पाकिस्तान पर, इस पाकिस्तान की इन बातों पर, अमन की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल SS पठानिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। रविंदर शर्मा जी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले कर्नल SS पठानिया जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पठानिया जी, फ्लैग मीटिंग हुई अरनिया में, जो कुछ पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की नापाक हरकत 2021 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पहली बार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई, उल्लंघन किया गया है। और क्या आपको लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें करता है, इसे किस तरह से देखा जाए पठानिया साहब? SS पठानिया जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, शायद पठानिया जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी, सर मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जो सवाल मैंने पठानिया जी से किया था, वही आपसे भी, कि पाकिस्तान एक तरफ नापाक हरकतें करता है, नापाक साजिश करता है भारत को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, और दूसरी तरफ अमन की बात करता है, इस दोहरे चेहरे को, दोहरे रवैये को पाकिस्तान के किस तरह से देखा जाए? सर देखिए, पहली बार ये पहला सीज फायर वायोलेशन नहीं है, बिल्कुल कुछ पहले भी सीज फायर के ऊपर फायरिंग हुई है और वो आर्टिलरी फायरिंग हुई है जी, जो कि बहुत सीरियस इशू है। बाकी रही बात पाकिस्तान की पीस की बात करने की, ये दोगलापन उनका शुरू से ही चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं।
उसके कुछ कारण है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का एम जो है दुनिया के सामने, दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक जनरेटर है, एक टेररिज्म को ब्रीड करता है, उसका ब्रीडर है, तो वो अपने आप को टेररिज्म का विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं और साथ में उसी चक्कर में ये पीस की बात भी करते हैं, क्योंकि पीस का जो बात करना उनको अपने अपने आप में जो उस ब्लेम को निकालने की कोशिश करने के बराबर है। दूसरा जो बात है, पाकिस्तान की जो डीएनए के अंदर है, नस नस के अंदर है, गजवाए हिंद घुस चुका है और निजामे मुस्तफा की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके रेडिकल्स ने करी है वो बहुत जबरदस्त गहरी पे फैट बना चुकी है और साथ में इसमें आईएसआई का पूरा हाथ है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त काफी इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है, परंतु आईएसआई की फंडिंग जो है वो नार्को टेररिज्म में है, क्योंकि जितनी भी नार्को खेती होती है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर वो सारी की सारी वर्ल्ड का मेजर प्रोड्यूसर वहां से है और वहीं से दुनिया भर की जो जितने भी आपके ड्रग्स हैं वहां से चलती हैं और उनका जो पैसा है वो पाकिस्तान की जीडीपी में कहीं अकाउंटेड फॉर नहीं है, वो सारा का पैसा अवेलेबल है आपकी आईएसआई के पास टेररिज्म फैलाने के लिए। और स्पेशली जब गजवाए हिंद की बात करते हैं तो इंडिया नंबर वन है, तो इसका ये मतलब है कि वो चाहे पीस की जितनी भी बात करे आप उसका विश्वास नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, अभी पिछले एक दो सालों में हमने देखा है कि पहले कभी भी कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी या पाकिस्तानी अकेडमी या कोई अगर ढंग की बात करता था प्रो इंडिया और पाकिस्तान को अपना आईना दिखाता था तो उसको यहाँ गायब कर दिया जाता था या मार दिया जाता था या उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, यानी कि इतनी जबरदस्त कार्रवाई थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। परंतु आज लोग खुल के सड़कों में आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर गया आप कैसे पीछे रह गए। तो उस कड़ी में हम एक कहते हैं आशा की एक किरण देखते हैं कि शायद कोई पीस की बात पाकिस्तान से करनी शुरू करे और शायद वो कामयाब हो, आज नहीं 5, 10, 15 साल के बाद जब ये वाला जो कैंपेन है जोर पकड़ चुका होगा पाकिस्तान के, हो सकता है आने वाले दिनों में दिमाग भी ठिकाने लग जाए। जिस तरह के हालात से पाकिस्तान सर गुजर रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने लगे और तब उसकी समझ में चीजें आने लगेंगी। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र अंबरदार जी, अरनिया में दो जवानों पर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की, जानबूझकर ये फायरिंग की, हमारे दो जवान इसमें एक तरह से जख्मी हो गए जो अभी भी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आता है, मोदी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि सख्त सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई कब होगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि अभी जो जो चर्चा का विषय है कि बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विषय यह है कि क्या पाकिस्तान का मन बदल गया है, क्या ये आउट ऑफ कंपल्शन बात करने की कोशिश कर रहा है या आउट ऑफ कन्विक्शन बात करने की कोशिश कर रहा है। हमारा तो बिल्कुल जो प्रोग्राम है वो जो भारत के ओर से जो एजेंडा आया है वो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में मैडम पाटिल गहलोत जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कि पाकिस्तान को अब जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर में वहां से वैकेट करना चाहिए। और बाय एंड लार्ज अब इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर पाकिस्तान सचमुच में चाहता है कि सब कॉन्टिनेंट में पीस हो और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर स्थिति है, एक गवर्नेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में जो परिस्थिति है वो सारी दुनिया के सामने है, पर पाकिस्तान की आर्मी अभी भी जो षड्यंत्र रचा रही है। ये दो चीजें एक साथ चल सकती है अंबरदार जी, मुझे समझाइए आप। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे जवानों पर फायरिंग कर रहा है, दो जवानों को जख्मी किया, और ये यही हरकत नहीं है, आप हालिया दिनों में पुंछ देख लीजिए, राजौरी देख लीजिए, पुलवामा आप देख लीजिए, इस तरह के बहुत से मतलब वाकयात हैं, कुपवाड़ा का आप हालिया दिनों वाकया देख लीजिए, क्या गोली और बोली दोनों चल सकती है जिस बात की आप बात कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि दैट प्रॉक्सी वार इज इन कॉन्टिन्यूटी, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं मानते हैं, बट ओवरऑल जो जो फ्रेमवर्क है वो भारत में ने तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तान बातचीत में पीओजेके को लिबरेट वैकेट करने की बात करता है तो उस शर्त पे बात हो सकती है और उस शर्त के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तो भारत की ओर से जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत क्लियर है कि बातचीत एक ही शर्त पे हो सकती है कि जो
ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, उस एजेंडे को लेकर अगर पाकिस्तान को बात करनी है, प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में बात कौन करेगा, जहां जिस प्रकार की वहां सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, जो गवर्नर्स का मॉड्यूल है वो फेलियर है, जो वहां वहां जो लॉर्ड्स हैं वो अभी भी वहां मनमानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी एक अलग प्रकार का सरकार चला रही है, और पाकिस्तान के लोग बड़े सफर कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद वीरपुर के लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं, और पिछले दिनों में आपको देखा होगा कि वो डिमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं रविंदर शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, सुरेंद्र अंबरदार जी को भी आपने सुना। रविंदर शर्मा जी, जिस दिन अरनिया में ये अटैक हुआ था उस दिन आपने ट्वीट किया था कि नापाक पाक। अब मेरा सवाल ये है कि क्या जो पॉलिसी है, जिस अमन की, जिस पीस की पाकिस्तान बात कर रहा है, तो क्या अब इस पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान, जिस अमन की बात कर रहा है? और ये पहली बार नहीं है, जब जब इस तरह की बातें होती हैं, हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, उसके बाद अमन और पीस की बात पाकिस्तान की तरफ से होती है। देखिए, जो मैंने कहा है कि पाक नापाक, वो बात सब सच है कि पाकिस्तान के इरादे नापाक है, और पाकिस्तान की इस फायरिंग की कंडेमनेशन में बीजेपी की तरफ से मैंने नहीं देखी। वो जब सत्ता में होते हैं तो उन्होंने नहीं कहा, अदरवाइज उन्होंने कहा था हम सब सिखाएंगे, पीओके छुड़ाएंगे। हम सरकार के साथ है, ये नीति सरकार को तय करनी है। हम सरकार को कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री जी गए, ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं वो जाए, लेकिन यह कि उससे पहले तो बात और करते थे, लेकिन उसका तजर्बा तलख निकला। उनके 7 दिन के बाद ही 2 जनवरी 2016 को हमला हो गया पठानकोट में जी। और कितने फिर हमले हुए, इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा इन्होंने किया। पहले गालियां भी खूब कही और कहा कि हम सब सिखाएंगे, छपनी का सीना करेंगे, लेकिन फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही, और पाकिस्तान हमला पर है हमारे पे, उस पर भरोसा कैसे करेंगे? और 2 जवान अभी परसों जख्मी हुए, और हमारे अंबरदार जी तो बात करने की, अंबरदार जी तो बात करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अंबरदार जी को यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही कहते थे टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड फायरिंग कैन नॉट गो टुगेदर, गोलियों के बीच में बात कैसे होगी? हम सरकार को रोकते नहीं, सरकार को रोड मैप तय करना है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं की है। उसके बगैर ये बीच में टोकेंगे तो फिर मैं भी टोकूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये किस मुंह से कह रहे हैं? आज क्रिकेट मैच भी हो रहा है, अगर कोई और सरकार करती तो देश भर में गालियां होती, लेकिन आप एक तरफ से हाइप भी क्रिएट करते हैं। हम सरकार और सेना और डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ खड़े हैं, जो रोड मैप वो तय करेंगे हम, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप कहने के लिए देश का सेंस कोई और बनाएं, और उसके बाद अब आप कहें कि हम पीओके की बात कर रहे थे और बातचीत कर रहे हैं, 9 साल आप बात नहीं कर सके, आप आगे बढ़ नहीं सके। अगर पाकिस्तान का इरादा ऐसा ही है, उसको और इकोनॉमिकली ब्लीड करिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करिए, सेग्रीगेट करिए, हम देश के मसले में वी आर विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, लेकर गवर्नमेंट का रास्ता भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आज 2 जवान शहीद, जवान किसका जवाब देंगे? 7 घंटे हमारे जवान और ऑफिसर पड़े। अंबरदार जी को भी एक विंडो में लीजिए, अंबरदार जी जवाब देंगे इसका। इसलिए अंबरदार जी कोई राय नहीं है। देखिए, कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। नहीं, कांग्रेस बेबुनियाद सवाल उठा रही है। पहले कांग्रेस ये तय करे कि वो हमस को क्यों सपोर्ट कर रही है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जब छोड़ो हमस को, पहले पाकिस्तान की बात है, पहले पाकिस्तान में बताओ हमस भारत की पॉलिसी ये है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं जाएंगे, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो पीओजेको को लेकर बात करनी है। क्या पाकिस्तान पीओजेके को वैकेट करने के लिए तैयार है? अगर पाकिस्तान पीओजेको को वैकेट करने के लिए तैयार है तो बातों की बात करने की संभावना बन सकती है। जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में विषय रखा है, ये मानते हुए बात कि करते हैं, पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप रखते हैं, बात करेंगे, आप इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप अगर नहीं, शर्मा जी, क्या तकलीफ है किसी को अगर वो पीओजेके वापस देते हैं, अगर वो टेरिटरीज वापस कर देते हैं, अगर उस पर बात होती है? 70 साल तो आपने सरेंडर कर रखा था, ये पहली बात है कि जो 1994 का जो रेजोल्यूशन है, यूनानिमस रेजोल्यूशन है, उसकी परसिवेशन हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए था, तब 94 में कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी ने ये रेजोल्यूशन पास किया था।
अगर हम उस रेजोल्यूशन को परस्यू कर रहे हैं, शर्मा जी आप बोल सकते हैं, शर्मा जी आप जवाब देश के हित में है। जी जी मैं शर्मा जी आप जवाब दीजिए, मैं पठानिया जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमरदास जी सुन लेंगे मैं बताऊंगा। 1994 का रेजोल्यूशन वाज द रिट्रीशन ऑफ अवर स्टैंड, असर्शन ऑफ इंडिया स्टैंड, के टेररिज्म से हम डरते नहीं और हम पीओके के लेंगे, पीओके हमारा पार्ट है। लेकिन 1947 में 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और पीओके हमारा हिस्सा है और उसको रिट्रीट किया यूनानी मसली, स्पीकर मीरा कुमार ने वो लाया था, पूरी गवर्नमेंट विपक्ष ने। आज भी मेरा वही स्टैंड है कि वी स्टैंड इन वन वॉइस विद द नेशन ऑन द इशू ऑफ नेशन। लेकिन सवाल उठते हैं कि अब आप ये बात करेंगे, आप टैक्स की बात करेंगे, फ्लैग मीटिंग में ये चीजें तय नहीं होती हाईएस्ट लेवल पर। पीओके छोड़ने के लिए किसको मूर्ख बना सकते हैं कि पाकिस्तान बगैर जंग के पीओके छोड़ेगा? कौन सी सरकार छोड़ सकती है, कौन सी सेना छोड़ सकती है और वो पीओके में और पाकिस्तान में जिंदा रह सकते हैं? जो वहां बातचीत की बात करेगा उसकी कुर्सी। चलिए ठीक है, मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल एसएस पठानिया जी, हालिया दिनों हमने देखा कि राजौरी, कुपवाड़ा, पुंछ और इसमें इस तरह की पाकिस्तान की हरकतें, फिर अरनिया की यह हरकत पाकिस्तान की, क्या पठानिया जी पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पैसे पैसे को पाकिस्तान एक तरह से तरस रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्या इन तमाम चीजों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान कर रहा है? पठानिया जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कर्नल एसएस पठानिया जी मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद पठानिया जी मुझे नहीं सुन पा रहे। मैं ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी, जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है सर, क्या जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, पैसे पैसे को एक तरह से तरस रहा है, कंगाल होता चला जा रहा है और खुद अपने यहां जो उसने बोया है उसी को काट रहा है। कई पिछले दिनों में हमने देखा कई अटैक पाकिस्तान के अंदर इस तरह से हुए, मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं, तो क्या अपने मुल्क के हालात छुपाने के लिए, मौजूदा जो सूरत हाल है उसे छुपाने के लिए वो भारत पर अटैक करता है, वो एलओसी पर एक तरह से सीज फायर की उल्लंघन की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ही खराब है। इकोनॉमिकली दे आर इन द ब्रिंक ऑफ अ डिजास्टर। नंबर जो उन्होंने टेररिस्ट पाले थे, चाहे वो पहले सोवियत यूनियन के अगेंस्ट तालिबान को रेज किया, उसके बाद जब वो उनका वो काम खत्म हो गया, उनको इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया। अभी वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो उनके 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 ही अगेंस्ट है, यानी कि जो सांप आपने पाले बैकयार्ड में वो आज उन्हीं को ही डस रहे हैं। तो उस चीज को करने के लिए और या अपनी इकोनॉमिक हालत को छुपाने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने पहले भी 65 वॉर में या 71 में किया था, आज भी वो ऐसी हरकतें कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ऑल आउट वॉर के लिए उनके पास इस वक्त कोई वो तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ रह जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज, इस तरह की हरकतें जो बॉर्डर के ऊपर, अगर हम कह रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की है, बट आई एम श्योर जो पाकिस्तान मीडिया या प्रेस उनको रिपोर्ट कर रही होगी कि इंडिया की तरफ फायरिंग आई और हमने रिटेलिएट किया, ताकि उनका जो पब्लिक ओपिनियन है, जो उन पब्लिक सिंपथी है, वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट फोर्स के साथ। ठीक है विजय सागर धीमान जी, ब्रिगेडियर धीमान जी, क्या जो बात करने की पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, अरनिया में जो कुछ हुआ उसके बाद अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, क्या ये सही वक्त है पाकिस्तान से बातचीत करने का? बिल्कुल सही वक्त नहीं है। हमें अपना लेटर लेने हैं इजराइल से, जिस तरीके से हमास ने इजराइल के अगेंस्ट किया है या पिछले 70-75 साल से कर रही है, कि ऐसा रिस्पांस हमको चाहिए, परंतु वो रिस्पांस इस वक्त देने में हम नाकाम है, क्योंकि इस वक्त हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट साहब क्या कह रहे हैं, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी क्या कह रहे हैं कि किस तरह के एक्शन की जरूरत है, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? अंबरदार जी, हमें इस वक्त नहीं लेना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पैसा है टेररिज्म का है। सुरेंद्र अंबरदार जी, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है सुरेंद्र अंबरदार जी, वो कहते हैं कि कैनबिस ग्रो करने के लिए। बहुत असहमत नहीं हूँ ब्रिगेडियर साहब से, पर विषय ये है कि
हाजी पीर अगर हमारे से 65 वार में वहां गया है और हाजी पीर को वापस लेने की क्लेम हम नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए फर्स्ट फेज में जब हम ये बात करते हैं कि हम भारत एक्सपेंशन स्टेट नहीं है पर भारत की जो अपनी टेरिटरी है भारत को वापस मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो 1947 में जितना हमारा लेंथ और ब्रेड्थ था और उसमें दो प्रोविंसेस मुजफ्फरबाद और गिलगित बाल्टिस्तान अभी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। अगर इस पर कोई रणनीति बनती है और भारत सरकार इसकी टाइमिंग अपने हिसाब से करती है विषय वो है और इस दिशा में इसको देखने की जरूरत है। बाकी नहीं तो इजराइल और हमास से सबक नहीं लेंगे, इजराइल और हमास से सबक नहीं लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि भारत हम प्रधानमंत्री जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे भी दुनिया ने सबक लिया है। भारत एक आज प्रो एक्टिव मूड में है, भारत अपने असर्शन को एग्जीक्यूट करने की मूड में है। इसलिए भारत सबक दुनिया को दे सकती है और जिस तरह से रविंद्र शर्मा जी सरकार में दुनिया इस वक्त देख रही है कि इजराइल और हमास को पाकिस्तान का प्यार जाग गया है। जी देखिए बीजेपी को पाकिस्तान का प्यार जाग रहा है, पाकिस्तान ने तबाही की है 9 साल में, दो बार देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हमला हुआ करगिल, पहले वाजपेयी साहब गए देश के प्रधानमंत्री थे वह यात्रा, उसके बाद हमारे साथ धोखा हुआ, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी गए और 7 दिन के बाद पठानकोट से लेके उड़ी तक तमाम उन्हें छलनी किया। अभी हाल में हमारे सीनियर ऑफिसर और पाकिस्तान से प्यार जो है बॉर्डर पे जो है वो हमले हो रहे हैं, पूंछ में पोस्टर लगे हैं कि प्यार है हमको पीओजे के वापस लेना है के इस हरकत का मुंह तो जवाब देना चाहिए, ये वो सरकार को देना ये जो यूनाइटेड नेशंस सरकार बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कंटेन करना था 9 साल से आप सत्ता में हैं, पाकिस्तान को आप भारतीय जनता पार्टी नापाक हरकतों में बढ़ता जा रहा है और आप कहते हैं नहीं ये पीओ के थाली में डाल के दे देगा आपको, आप बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान थाली में डाल के पीओ के हमको दे देगा, हाजी पीर गिलगित बाल्टिस्तान दे देगा, आप तो कहते हैं हमारे पास रोड मैप है को लेकर, लेकिन लेट द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट द रोड मैप और उनको सबक सिखाना चाहिए। हमसे अपना पीछे छुड़ा लीजिए, वो सरकार तय करेगी, शायद आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो स्टेज नहीं है अभी भारत का। आप नहीं, आपको तो किसी की जरूरत नहीं है, जब आप लाहौर गए थे तब भी जरूरत नहीं है, आप तो विश्वास ही नहीं करते, लेकिन देश वन वॉइस में बोलता है, जब कोई देश पे हमला होता है देश के विरुद्ध कोई बात है देश कोई फैसला लेता है, आप इतिहास से सबक लीजिए। सुनिए अमरदास जी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले लीडर ऑपोजिशन वाजपेयी जी से बात की थी जब 1971 में जंग की, लेकिन आप इतिहास से सबक नहीं लेते के उस देश सबका है, सिर्फ आपका नहीं है बीजेपी का, उसमें सब लोग जो है वो देश हिंदुस्तानी कांग्रेस था, अब कांग्रेस हमस वाला कांग्रेस है, और गवर्नमेंट बात समझ लीजिए मिलिटेंसी में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है। मैं छोड़िए कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े भी किए, पाकिस्तान को सब देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी का ग्राफ भी देख लीजिए, नहीं किया एक तो अभी का ग्राफ बढ़ रहा है, अभी अलीगढ़ भाषा इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं बातचीत करेंगे, शर्मा लीजिए बीजेपी को, पहले 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 सही शब्द तो इस्तेमाल कीजिए, टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना सीख लीजिए, जब आप टेररिस्ट को टेररिस्ट करके लेकिन वो रोड मैप देश के साथ शेयर करना, कोई फ्रेमवर्क कोई रोड मैप नहीं है, फिर आपके पास रोड मैप जो था वो कागजों में था, जो एग्जीक्यूशन है और हमारे दो जवान शहीद और भारतीय जनता पार्टी के पास है वो मोदी जी के पास है, किस मुंह से कहा जाओगे पॉलिटिकल डिस्कशन। मैंने दोनों को समय दे दिया, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी मैंने दोनों को समय दे दिया। पठानिया जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है एसएस पठानिया जी? अब मुझे आई कैन हियर यू एसएस। ठीक है देखिए मैंने दोनों को अब सुन लीजिए। पठानिया जी बहुत देर से हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए थे लेकिन शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। पठानिया जी पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, एक तरफ अर्निया में पाकिस्तान की नापाक हरकत और अब पीस की बात कर रहा है, कैसे इसे देखते हैं पठानिया जी? देखिए पाकिस्तान जो है वो बातें कुछ और करता है, अंदर कुछ और काम करता है, और पाकिस्तान की ये इमेज जो है ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इट्स ए बेसिकली ए टेररिस्ट कंट्री विच इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। अभी हमने ये देखना है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ अगर हम अपनी आर्म फोर्सेस कैपेबिलिटीज को लेके चले तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है, लेकिन
अभी उनकी जो मजबूरी ये है कि ISI और आर्मी को अपना वर्चस्व बनाने के लिए कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए या कोई ना कोई ऐसी उन्होंने कांड करना है जिससे अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई कर सके। और आप ये देखेंगे ये तो पठानिया साहब, पाकिस्तान की इन हरकतों का फिर जवाब कैसे दिया जाए? हमारी सरकार कहती है कि हम सबक सिखाएंगे, लेकिन कब सिखाएंगे ये नहीं पता चलता है। मैं अभी आपकी सुन रहा था। देखिए हमारी जो इमेज है ना, अभी आप बात कर रहे थे इसराइल के साथ, हमारी इमेज जो है वो एक सॉफ्ट नेशन की है। वी आर जनरली इन दैट रिएक्टिव मोड, हम प्रोएक्टिव मोड में नहीं आ पाते हैं, बी इट विद द चाइना और बी विद द पाकिस्तान। सो उसके उसको थोड़ा हमें देखने की जरूरत है। इसराइल का जो मॉडल, मैं बड़ी देर से ये प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि हमें इसराइल का मॉडल अपने तरीके से इन ए गिवन सिचुएशन विच वी हैव इन अवर कंट्री, वी मस्ट अडॉप्ट इट एंड कन्वर्ट अवर इमेज फ्रॉम बीइंग ए सॉफ्ट नेशन टू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये अभी जो स्ट्रेटेजिकल या नेशनल डिसीजन लेने हैं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है कि वो कैसे करते हैं। और अगर हम इसको सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। देखिए पाकिस्तान को आपको अपने न्यूज में देने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास पूरी कैपेबिलिटी भी है। और पीओके की अगर हम बात करते हैं, दो चाइना इज सपोर्टिंग एट द मोमेंट, बट ए स्टेज विल कम कि पीओके एरिया के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान ले लीजिए या बलूचिस्तान ले लीजिए, यहाँ पे जो विद्रोह के स्वर निकल रहे हैं वो बहुत जोर से निकल रहे हैं। और ये हमारे लिए आपने सुना कि हम कहते बार बार करते नहीं है, हम कहते हैं सबक सिखाएंगे सबक सिखाएंगे सबक सिखाएंगे, कब सबक सिखाएंगे? कितने इस तरह के हमले होते रहेंगे? जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में विद्रोह के स्वर है, वो सबको सुनाई दे रहे हैं, उसको और गंभीरता से पुश करने की जरूरत है। और जो बेसिक मुद्दा है कि जो टेरिटरी इलीगली पाकिस्तान के पास है वो हमारा टारगेट एरिया है, और उस टारगेट एरिया के लिए भारत सरकार, वो तो वक्त आने पर वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का ही अटूट हिस्सा है, पीओजेके जो है भारत का ही अटूट हिस्सा है, वो तो वापस लिया जाएगा। पीएम साहब कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, वो तमाम चीजें होती रहेंगी। हमारे जवानों का बदला कब लिया जाएगा? जिन जवानों को अर्निया में घायल किया गया है, इन जवानों का बदला कब लिया जाएगा? कुकरनाग में शहीद किया गया है, रजौरी पुंछ में शहीद किया गया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान के रेंजर्स को रोज ही टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए प्रोएक्टिव मेजर्स की लेने की जरूरत है, और उस पर सक्षम है भारत। ठीक है, देखिए समय हमारे पास नहीं बचा है, लेकिन बातों से ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से कर्नल SS पठानिया साहब या हमारे साथ धीमान जी, विजय सागर धीमान जी थे, एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने काफी समय भी दिया और बहुत करीब से हालात को समझते भी हैं। इन्होंने कहा है कि सही वक्त आने पर सही जवाब देने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं ये जब ही रुकेंगी जब इन हरकतों का सही और माकूल जवाब दिया जाएगा। नहीं, पाकिस्तान इसी तरह से हरकतें करता रहेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल SS पठानिया जी, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी, रविंदर शर्मा जी और सुरेंद्र अंबरदार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो चलिए JKLH प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।